जय हरि विठ्ठल। जगतगुरु संत तुकाराम महाराज। तुकाराम महाराज के कई अभंग काफ़ी प्रसिद्ध है, काफ़ी फेमस है। तुकाराम महाराज कहते हैं कि तुका मने एथे सत्वाचे सामर्थ्य करावा परमार्थ अहरनिशी। जहाँ पर सत्व है वह बहुत ज़्यादा बलशाली होता है, उसका एक सामर्थ्य होता है। और सारी जिंदगी तुकाराम महाराज की परमार्थ करने में गुजरी है। एक बहुत बड़े संत, महाराष्ट्र के जग विख्यात संत हुए। यहाँ पनवेल में तुकाराम महाराज का जन्म हुआ। उनके पिताजी एक बहुत बड़े कारोबारी थे, एक व्यवसायी थे, और उनका मिर्ची का बिजनेस था। तो यहाँ इस पनवेल नगरी में तुकाराम महाराज मिर्ची बेचने के लिए आया करते थे। यहाँ इस प्रकार का पहले मार्केट नहीं था। यहाँ बरगद के काफ़ी पेड़ हुआ करते थे, और बरगद के पेड़ के नीचे इसी स्थान पर बैठकर तुकाराम महाराज अपना मिर्ची का व्यापार किया करते थे। अब आपको भी पता है कि जो संत होते हैं उन्हें सब चीज़ों की लालसा नहीं होती है। तो उस समय यह होता था कि अगर कोई गरीब आता है तो वे अपना जो मिर्ची है, जो सामान वो साथ में लेकर आए हैं बेचने के लिए, वो उसे दे देते थे। कोई अगर गरीब है जिसके पास पैसे नहीं है, उसे पैसे दे देते थे। इस प्रकार से पूरा परमार्थ भरा उनका जीवन रहा है। और ये यहाँ पर पनवेल में, रायगढ़ ज़िले में पनवेल स्थित है। पनवेल में यहाँ पर संत शिरोमणि तुकाराम महाराज का यहाँ पर एक बहुत सुंदर एक शिल्प बना हुआ है, एक स्टैचू बना हुआ है। तुकाराम महाराज के पीछे उनके आराध्य दैवत विट्ठल और रखुमाई खड़े हैं। यहाँ पर आप देखिए कि दोनों तरफ एक इस प्रकार के शिल्प बने हुए हैं, इस प्रकार के पुतले बने हुए हैं कि तुकाराम महाराज यहाँ पर बैठ कर बिजनेस कर रहे हैं, मिर्ची का बिजनेस कर रहे हैं। यहाँ पर कांटा तराजू है और तुकाराम महाराज के अगल बगल में सब लोग खड़े हैं। इस प्रकार का ये सुंदर दृश्य है। मेरा आपसे निवेदन है कि यहाँ ज़रूर आइए, इस स्थान का दर्शन करिए। स्वयं तुकाराम महाराज के पावन स्पर्शों से, पद स्पर्शों से ये भूमि पावन हो चुकी है। इस पावन भूमि को नमन करिए और यहाँ पर आके तुकाराम महाराज को वंदन करिए। जय हरि विट्ठल।